मुंबई से सटे थाने में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें पिछले 2 वर्षों से विदेशी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। हम आपको बता दें कि ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही थी, जिसमें विदेशी शराब लाकर थाने के भिमंडी में सप्लाई किया जाता था। राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारियों ने भिमंडी के गोडाउन पर छापा मारकर करीब 89 लाख की विदेशी शराब को जब्त किया है, जिसको मुंबई के बड़े बड़े होटलों और पबों में सप्लाई किया जाना था। पकड़े गए 4 आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इस काम को पिछले 2 वर्षों से कर रहे थे, जबकि इसमें 4 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि यह शराब दाल फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा दिल्ली से मंगाया गया है, जिसका दूसरा ब्रांच मुंबई में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाती ये दाल फूड कंपनी इस शराब को भिमंडी में गलत तरीके से सप्लाई कर रही थी, जिसमें सरकार को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। इस विदेशी शराब को डाक पार्सल की गाड़ी में लाया गया, जिससे किसी को शक ना हो सके, जबकि इस विदेशी शराब की एक बोतल की कीमत करीब 10,000 रुपये बताई जा रही है। बहुत इम्पोर्टेड जो है शराब बरामद हुई है, कहते हैं इसे पब और मुंबई के 5-स्टार होटलों में सप्लाई किया जाता है, क्या है पूरा मामला? देखो, ये हमें सप्लाई कहाँ हो रहा है उसकी जानकारी अभी लेना है। वो एक्चुअली बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। ये शराब हमने भिवंडी में बरामद की है, जहाँ लाइसेंस नहीं था, ये इलीगल गोडाउन है। ये दिल्ली से आती है मुंबई के लिए। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो गोदाम दिए है, वो गोदाम में आना चाहिए, लेकिन वो वहाँ न जाता भिवंडी में पकड़ी गई है। उसमें बहुत बड़े रैकेट है, उसका पर्दाफाश करना है। सर, जैसा आपने बताया कि इन्होंने परमिशन कहीं और के लिए लिया था और लेके कहीं और जा रहे थे, क्या है उसमें? उसमें परमिशन है तो दिल्ली से उसने लाया है, तो हर बॉटल में उनको MRP लिखना है, और उसमें MRP लिखना है, और वो किसने भेजा है, जो भेजने वाले का नाम और लेने वाले का नाम, वो लेबल हर बोतल के ऊपर कानूनी लगाना है, जो उसमें नहीं है। कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग हो रहा है कि लाइसेंस का, कि माल कुछ और लिस्ट में है और मंगा कुछ और रहे। पूरा वाक्य बताइए, क्या हुआ था पूरा? ये दुरुपयोग ही हो रहा है। उसमें 360 या 364 बॉक्स गवर्नमेंट के हिसाब से इम्पोर्ट परमिट के हिसाब से आना मुमकिन है, लेकिन उधर 50 बॉक्स एक्स्ट्रा है, जो ऐसे बॉक्स है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेंगे कि ये शराब क्या है। क्या उसने ऐसा वेस्टर्न किया है खाकी कवर का, और लगाया कि वो क्या है ऐसा, जब तक आप खुलते ना तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी हमने आपको मालूम है कि 2009 में एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री शॉप के भी हमने कस्टम कभी टाटा गाड़ी जब्त किया था, तभी भी हमने ड्यूटी फ्री शॉप का भी सब रैकेट बंद किया है। सर, ये बताइए कि ये माल किसने भेजा था, किसे माल देना था? ये दाल फूड एंड कंपनी जी दिल्ली में है, उसने दाल फूड प्राइवेट लिमिटेड मुंबई वरली की, जिसके ओनर है किरण दाल, उनके लिए। और मुंबई में किसे देना था और क्या लग रहा है आपको? उनका भी जानकारी चालू है, हमारे ऑफिसर, हमारे जो कमिश्नर मैडम, आयुक्त मैडम है अश्विनी जोशी जी, वो अपने लेवल पे हर ग्रेड पे अपने ऑफिसर चेक कर रहे, उसमें मालूम पड़ेंगे क्या है। वो जितने भी है, जो जो कुछ भी इन्वॉल्व है, उनको सबको अरेस्ट करना है, और उनको महाराष्ट्र शासन के जितने भी ड्यूटी उसने चोरी किया है उसको हासिल करना अपना काम चलो। अरे, बाकी क्या करना है, कहीं वहाँ से प्लेन बाकी लेकिन वही है। हमने MRP का मशीन भी एक बरामद किया है, अभी ये आहिस्ता सब सामने आएगा। सर, लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि काफी महंगी शराब है, जिसकी लाखों रुपए एक बोतल की कीमत है, क्या है पूरा ये? उसकी MRP नहीं है, जो रेगुलर रनिंग ब्रांड है उसकी MRP हमें मालूम रहती है, जो नए नए है, लेकिन कम से कम 10,000 के ऊपर है, ये तो सही है, 10,000 के ऊपर प्राइस भी है। जैसे उसमें जो आपने सिल्वर कलर का बॉटल दिखाया है, उसकी कहते हैं उसकी बॉटल की भी कीमत काफी होती है, वो क्या है सर? है, बॉटल की कीमत है, लेकिन आइडिया तो नहीं आता है, उसकी असली कीमत हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन हमने जो रैंडम कीमत है वो लगाई है। अभी तो हमने 4 लोग लिए है, उसमें स्ट्रॉन्ग इन और जो फरार है उसमें 3 है, 3 लोगों के नाम हमें मालूम पड़े हैं।
और उनके इसमें बहुत लोग हैं। चारों उनका है कि एक गोडाउन में डिलीवरी करके लेना है। एक जो मैनेजर है ट्रांसपोर्टर का, उसने खाली करके लेना है। और गोडाउन वाले को पहला 3 रुपये बक्से में मिलते थे, अभी उसने 50 रुपये किया है। और जितना ज़्यादा ब्रांड है, ज़्यादा ब्रांड के ऊपर एक बॉक्स था वो रखने के लिए 50 या 200 रुपये लेता। गोडाउन मैनेजर का नाम लगा? हाँ, गोडाउन मालिक है, मैनेजर नहीं है वो, रंजित चलोत्रा मिश्रा करके उसका नाम है। वो भिवंडी के है लेकिन ओरिजिनल वो हरियाणा के हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने दिनों से काम? वो अभी उसने बताया कि मैं 4 साल से ये ट्रेड चला रहा हूँ और ये 2 साल से ऐसा धंधा कर रहा हूँ। माल मंगाना है? वो दूसरा मंगाता है, जो ये उनका ट्रांसपोर्टर का जो मैनेजर है वो ये नहीं बताया कहाँ माल सप्लाई काम करते हैं। वो उनको उन्हें मालूम नहीं। उसमें जो एक नॉमिनेशन करके भिवंडी का नाम है वो आदमी सब करता है, और वो भेजने वाला है वो शेखर सिंह, वो दिल्ली से भेजते हैं। सर दूसरी बात इसमें देखा जाए कि नोट करने वाली बात है कि गाड़ी के ऊपर पार्सल लिखा हुआ, डाक पार्सल, क्या गाड़ियों के ऊपर भी इस तरह से परमिशन नहीं? मैंने उसमें वही तो है, वही सबको मैंने चोरी करने का एक है, जैसा गवर्नमेंट का गाड़ी है ऐसा ही डाक का गाड़ी है, कोई भी हाथ नहीं दिखाएगा, ऐसा ही उसका साजिश है। उसके बारे में भी अभी ड्राइवर को पूछताछ चल रही है। सर क्या इसमें पॉलिटिकल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो इतना बड़ा रैकेट है जो विदेशी शराब की वजह से बेचा जा रहा है? ऐसा काम नहीं हो सकते, अभी तक कोई नहीं आए, वो आए तो भी क्या, जो है वो है, कोई भी रहने दो, उसको FIR में उसका ना एक बार नाम डाल मिला तो डाल। देखो कितने लोगों का नाम है सर, उनका बैकग्राउंड क्या होगा? अभी तो 4 लोगों के नाम मालूम पड़े हैं इसमें, FIR में डाले हैं नाम। कितने दिन में पुलिस हिरासत में मिली NCR में, किसको किसको नाम है? नाम के तो कोई 4 लोग जो मिले हैं और 4 लोगों के नाम आ गया है, टोटल 8 आ गए। हाँ 8 हो जाएगी, 4 तो हुए, 8 अब और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो किस तरह से माल को छुपाते थे, क्या है तरीका इनका, किस तरह से? तरीका एक ही है कि उसने MRP नहीं लगाया है और और अंदर जो दारू उसको डाक के जो कवर आते हैं उसी प्रकार से सील किया बनाया गया, क्या है कवर? वही है वो डाक बताते हैं, कोई भी गाड़ी खोला तो उसको क्या लगेगा, खाकी कवर के बक्से मिलते हैं, जब तक वो अच्छी टीप खबर नहीं मिलती है तब तक कोई नहीं देखेगा। तो यही फायदा वही कर रहे हैं कि चोरी कैसे कर रहे हैं, जैसा कि डाक का पार्सल है, डाक का पार्सल कोई भी हाथ में डाल सकते वही। लेकिन हमने क्या किया, जब ये भिवंडी में खाली हुआ, खाली होने के बावजूद देखने के बावजूद मालूम पड़ा कि ये शराब, क्या गोदाम मालिक भी है? हाँ मालिक भी है। सर लगभग ये सरकार को कितना नुकसान पहुँचाते होंगे? अभी देखो ये तो अभी कम से कम 10 बॉक्स भी लाया या 20 बॉक्स भी लाया, एक एक बोतल का 10,000 यानी हर गाड़ी के पीछे उसने 20-25 लाख का माल ला सकते हैं, वो लाते ही है। सरकार को कितना नुकसान होता है जिस तरह से टैक्स बचाने के लिए? 10 बॉक्स के पीछे 5 लाख का लूटी जाता है ना, जो वाटर के ऊपर रहता है हमारे हमारा। अभी तक सैकड़ों करोड़ का नुकसान ये सरकार का भी कर चुके होंगे? बराबर ज्यादा ही है, लगभग आपके अंदाज से जो खर्चों ने मुझे जानकारी दिया 2 साल से कर उससे अंदाजा लगाएंगे तो कितना करोड़ का लाभ होगा? अभी उनका सब अभी उनको लेटर देंगे, जो भी है गोडाउन के ओनर जो सामने आए हैं उनको, उनके पास से ही सब जानकारी लेंगे और उसने क्या किया है, ऐसा किया है। सरकार को कितना नुकसान हुआ रहेगा वो अंदाजा आप बोल सकते हैं? लेकिन बहुत ज़्यादा किया है। आपको तो मालूम है महाराष्ट्र में डुप्लीकेट शराब बहुत बनती थी स्क्वाच, उसमें भी हमारे लोगों ने बहुत कंट्रोल आया है। तो कंट्रोल रहने के बाद ये तो अभी ऑफिसियल आ रहे हैं, ये तो नहीं है, ये तो हमारे लिए भी नई बात है, ये नई चोरी हमने पकड़ी है। ये सर ओरिजिनल शराब है, डुप्लीकेट है? तो ओरिजिनल है ओरिजिनल। सर देखा है कि अगर देश भर में देखा है सबसे महंगी शराब महाराष्ट्र में बिकती है, कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा कि दिल्ली हो, गोवा हो, दमन हो, इस प्रकार से दारू का सप्लाई करना और मुंबई में सप्लाई करना, महाराष्ट्र में सप्लाई करना। तो ये तो ऐसी पहली बार आई है ऐसा समझ में आया, आगे तो ऐसा हमारा तो नाकाबंदी पूरा टाइट है, ऐसा हम गोवा से दमन से गाड़ी बहुत पकड़ते हैं शराब,
लेकिन ये स्वाच पहली बार ऐसे पकड़े, तो अभी ये सब पूरा उनकी जानकारी मिलेगी, जानकारी होएगी, तपास हो जाएगा और उन्होंने कितना लॉस किया है। ये बात आप मान के चल रहे हैं कि पैसे की यहाँ पर ज़्यादा क्रिमिनल भी देखी जाती है सारा, इसके लिए सब महाराष्ट्र कर रहे हैं शुरू करो। देखो ये अभी उनसे कौन कौन अंदर है वो जब तक मालूम नहीं, पर सामने आए तो बहुत अच्छा नहीं है, कितने करोड़ का लॉस हुआ है वो भी बोलना अच्छा है, लेकिन बहुत करोड़ का लॉस शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हुआ। आप जेजेबी न्यूज़ की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।